आप अपनी स्कूल लाइफ में ऐसे काम तो किए ही होंगे, जिनकी वजह से आपको टीचर्स से, हेडमास्टर से यहां तक कि प्रिंसिपल से भी डांट पिटी होगी ऐसा तो हर किसी की स्कूल लाइफ में होता ही है लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी अपने स्कूल में कोई बड़ा कांड मतलब कोई बड़ा स्कैम किया है जिसकी वजह से आपको स्कूल से ही निकाल दिया हो। नहीं ना लेकिन मैंने किया था अब आप लोग बोलोगे बिंजर भाई ये सुन के हमें बाबूराव की याद आ गई सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे पे छोड़ छोड़ के के गया और दोपहर को को पूरी स्कूल मेरे घर गए एक लड़की की वजह से प्रिंसिपल मेरे को स्कूल से लात मार के निकाल दिया और बोला मेहरबानी करके कल से स्कूल मत आना औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर तो अभी तक का सबसे बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो है वीडियो को पूरा देखना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज लोग आज कर देना

तो ये कहानी है उस टाइम की जब मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था और सच बोलू तो उस टाइम पे तुम्हारा साथ साथ मतलब लेकिन मुझे पसंद थी तो बस क्लास की फर्स्ट टॉपर और आप तो ये चीज जानते ही हो टॉपर की अकड़ कुछ ज्यादा ही होती है उसकी भी बहुत थी शुरू में मैंने भी सोचा था दैट टॉपर है इसको गर्लफ्रेंड बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम्हारे भाई का इम्प्रेशन क्लास में इतना ज्यादा था एक हफ्ता भी नहीं लगा उसको गर्लफ्रेंड बनाने में और सच बोलू तो वो जैसी मेरी गर्लफ्रेंड बनी क्लास में इज्जत और बढ़ गई मैं क्लास बंक भी भी करता था तो मेरी अटेंडेंस खुद हो जाती थी थी तक कि मुझे स्कूल होमवर्क की कोई टेंशन नहीं होती थी। और ऐसा करते करते दो महीने निकल गए सच में तुम्हारा भाई स्कूल के बेस्ट दिन जी रहा था लेकिन साला दो महीने बाद किसी पनौती की नजर लग गई मेरे को आज भी याद है कि लंच टाइम चल रहा था और मैं कैंटीन से समोसे लेकर फ्रेंड्स के पास दौड़ रहा था और अचानक मुझे स्लिप हो गई और मैं मुंह के बल गिरा मेरी न नाक और आगे वाला मेन दांत टूट गया नाक तो कुछ दिन बाद ठीक हो गई लेकिन दांत टूटने की वजह से चेहरा एकदम अजीब हो गया था आप लोग खुद इस चीज को इमेजिन करो कि आगे वाला एक दांत अगर टूट जाए तो इंसान कितना अजीब हो जाएगा स्कूल में जो लोग मेरी इज्जत करते थे अब वो भी मेरा मजाक उड़ाने लग गए सब लोग मेरे को खरगोश कार्टून पता नहीं क्या क्या नाम निकालने लग गए मुझे आज भी वो टाइम याद आता है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ कैसे एक दांत टूटने की वजह से आप मजाक बन जाते हो और इस चीज की वजह से एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया साला थोड़ी शक्ल बिगड़ गई लोग तो मुझे इग्नोर ही करने लग गए उस दिन मैं घर आया तो मैंने बहुत ज़्यादा रोया लेकिन फिर भी मैंने उसको कॉल किया तो से मेरी स्कूल में बेजती हो रही है तो जिंदगी में एक चीज सीख ली की इंसान के अच्छा दिखने से लोगों को बहुत ही फर्क पड़ता है लेकिन मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि मैं वापस उसको कुछ भी नहीं बोल पाया मेरे को आज भी याद है मैं रोते रोते अपनी माँ और पापा के पास वो बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ मैंने बोला कि मेरा दांत टूटने की वजह से सब लोग स्कूल में मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और सच में यार ये सुनकर वो दोनों इतना ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने मुझे उसी टाइम सबसे बेस्ट डेंटल डॉक्टर डॉक्टर के पास लिया मेरे मेरे को को आज भी ये चीज याद है कि मेरे पापा ने उस को बोला सबसे बेस्ट जो इलाज है वो करो सला दो दिन में डॉक्टर ने मेरा दांत ठीक कर दिया मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मेरा दिल खुश हो गया और सच बोलो तो उस दिन से डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ मैं दूसरे दिन से वापस तुम्हारा भाई टशन में स्कूल जाने लग गया और सब लोग एकदम परेशान हो गए दो दिन में साले के दांत कहाँ से आ गए जो जो मेरा मजाक उड़ाते थे उल्टा मैं अब उनकी बजा रहा था फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया लेकिन अचानक एक दिन उस गर्लफ्रेंड का कॉल आया उसने बोला क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है मैंने बोला ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है मेरी बहुत बेजती हुई है स्कूल में और कल तुम मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने क्लास में प्रपोज करोगे तभी जाके सब कुछ ठीक हो सकता है वरना रहने दो सच बोलो तो क्लास टॉपर होने की वजह ऐसी उसमें बहुत ज्यादा अकड़ थी लेकिन दो दिन बाद वो ये चीज मान गई उसने पूरे क्लास के सामने मुझे प्रपोज किया

में चोरी बैठा था और उसकी उस हफ्ते ड्यूटी थी ड्यूटी का मतलब जो हाउस ड्यूटी होती है ना चापलूस बच्चों की वही वो, वो क्लास में आ गई और मुझे छड़ी से मारने बैठ गई और ऐसा चिल्लाया कि बाहर निकलो अब ड्यूटी स्टूडेंट का थोड़ा चिल्लाना और थोड़ा मारना तो ठीक होता है लेकिन उसने मेरे को इतना जोर से सिर पे मारा साला मैं भी सेकंड टॉपर था कोई मजाक थोड़ी था मैंने दे थप्पड़ उठाकर इतना जोर से उसको चिपकाया ना वो रोते रोते सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई उसने मेरी वहाँ पे इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स की ना कि बेचारा प्रिंसिपल तक मेरा दुश्मन बन गया मैंने अपनी तरफ प्रिंसिपल को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन उस टाइम पे सभी लोग लड़कियों को ही सपोर्ट करते थे तो मेरी किसी ने नहीं सुनी और पहले तो प्रिंसिपल बोल रहा था साले को सीधे डीसी दे दो मतलब स्कूल से ही निकाल दो लेकिन फिर दो तीन टीचर्स ने मेरा सपोर्ट लिया तो एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया और असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है स्कूल से एक महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तो घर वालों को क्या बहाना बोलूंगा यही सोच रहा था मुझे लगा था स्कूल वालों ने घर फोन किया होगा आज पिटाई होगी लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था स्कूल वाले घर फोन करना ही बोल गए थे और सच बोलो तो में भी हिम्मत नहीं थी घर वालों को बोलने की कि मैं सस्पेंड हुआ तो फिर क्या फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था जुगाड़ तो प्लान एकदम सिंपल था मैं रोज घर से स्कूल के लिए निकलने लग गया लेकिन मैं स्कूल जाता ही नहीं था मैं पब्लिक पार्क में दिन भर यूनिफॉर्म लगाकर क्रिकेट खेलता था और सच बोलूं तो ये सब करके मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था एक महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तो दिन भर इतना ज्यादा टेंशन होता था तो क्रिकेट में क्या ही मजा आता लेकिन मैं मजबूर था तो पांच दिन तक वैसा ही करता गया और एक दिन अचानक दिन के टाइम पड़ोसी ने मुझे यूनिफॉर्म लगा के वहां पे देख लिया जो ही मेरी उस पड़ोसी पे नजर पड़ गई मेरा दिल ही बैठ गया मैं जानता था अब मेरी बैंड बजने वाली है वो पड़ोसी सीधे मेरे घर गया था और मेरे पेरेंट्स को बोला था मुझे आज भी याद है शाम को घर जाने की हिम्मत ही नहीं थी कैसे होती इतनी बड़ी बात घर वालों को ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा के घर 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 गया गया और पे एक ही ही चीज सुनने को को मिली अब क्या लड़कियों को ही मारना बाकी रह गया था मतलब वालों ने स्कूल भी फोन किया था और ऐसे जोर के दो थप्पड़ पड़े ना मुझे तो मैंने उनको सारा सच बोला लेकिन यह चीज़ नहीं बोली की वो मेरी गर्लफ्रेंड थी वरना मेरे को घर से ही निकाल देते दूसरे दिन पापा सीधे स्कूल गए और प्रिंसिपल को ही पेल दिया और प्रिंसिपल को बोला अगर इसको सस्पेंड किया था तो घर कॉल क्यों नहीं आया सच में बहुत ज्यादा शोर मचाया पापा ने उधर और उन्होंने प्रिंसिपल को बोला अगर लड़की लड़के के सिर पे मारती है तो वो चलता है लेकिन अगर लड़का लड़की को वापस कुछ बोले तो वही चीज गलत है अगर दोनों की गलती है तो दोनों को सस्पेंड क्यूँ नहीं किया क्या यही पढ़ाते हो आप इनको इधर ये सुन के प्रिंसिपल एकदम टेंशन में आ गया और मेरे को उसकी शक्ल ऐसी लग रहा था की वो डर गया और उनके पास एक ही ऑप्शन था और उसने वही चूज किया उसने मेरे को बोला कल ऐसी स्कूल आना लेकिन पापा ने कहा नहीं 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 लड़की को भी पांच दिन के लिए सस्पेंड करो ये सुनकर प्रिंसिपल बोले सारा अब आप हमें ही माफ कर दो और उसके बाद पापा भी शांत हो गए और फिर मैंने उस लड़की को भी माफ कर दिया लेकिन उस दिन के बाद मैंने उसे कभी भी बात नहीं की और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया अब दुआ करते कि ये वीडियो तुम्हारी बाबी ना देखे और ना बोल देगी तुम्हारी तो पहले से ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है और कृपया करके अगर दो तीन दिन तक मेरी खबर ना आए तो समझ जाना मेरे को पेल दिया है और अगर आप चाहते हो कि हम आगे ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोज लाए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है एक लाख लाइक का कंप्लीट करा दोगे तो आगे और भी ऐसी मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोज आएगी तो यही था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाय बाय आई लव यू ऑल और रुको रुको हम लोग इंस्टाग्राम पे पचास हजार फॉलोअर्स होने वाले हैं। अब सिर्फ चार हजार फॉलोअर्स चाहिए और वहां पे हमने फेस रिवील भी कर लिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा प्लीज जाके वहां पे फॉलो कर दो